तो दोस्तों ये मिला उसका नेक्स्ट पार्ट, जिसके अंदर तुम लोगों को रिंग पिस्टन फिट करते हुए दिखाएंगे और देख लो सारी चीजें किस किस तरीके से, क्योंकि ये बहुत बारीकी का काम होता है। हल्का सा रिंग इधर उधर निकल गया गाड़ी फिर धुआं देने लग जाएगी, वही चीज है कि सारी मेहनत खराब। तो देखो किस तरीके से सारी चीजें होंगी फिट। पिस्टन हमने बोर करा लिया, आप किट भी डाल सकते हैं, पर पिस्टन हमने दे सकते हैं ओरिजिनल बोर्स का पिस्टन है, 100 नंबर तक कंपनी पिस्टन बनाती है, आप डाल सकते हैं। यह बोर हो गया गया और आप देख सकते हैं, एक बार चला के देख ले पिस्टन सही चल रहा। अब हम करते हैं रिंग चेक, पिस्टन लगाने से पहले रिंग जरूर चेक कर लें कि रिंग ठीक है या नहीं। ये देखो ये रिंग पिन हो गई, ये लॉक हो गई, ये इसके तो हम देंगे इसके हम आपको रिंग पिस्टन दम फिट नॉर्मल सब जानते हैं कि होते हैं। अब मैं रहते हैं रिंग और की जान गए कि रिंग डालने का सही तरीका क्या है। ये इसमें 5 रिंग होते हैं, तो आपको मैं बताता हूँ 5 रिंग किस किस चीज़ को। ये रिंग है हमारे हाथ में जो लग रहे हैं, ये है ऑयल रिंग, ये ऑयल की सप्लाई जो पिस्टन जो धुआं देगी, तो जब ये रिंग खिंचाते हैं ना पिस्टन खिंचाते हैं, मैं इन रिंगों का काम होता है धुएं को रोकना, ऑयल को ज़्यादा फिर वापस ये रिंग वापस लिया जाए। ये 3 रिंग जो होते हैं, ये होते हैं कंप्रेसर रिंग। गाड़ी अगर हमारी ये कंप्रेसर रिंग खराब हो गए चुपक गए तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होनी चाहिए, इतनी भी कोशिश करनी स्टार्ट नहीं होनी चाहिए। ये रिंग एक बार को चुपक जाएंगे गाड़ी स्टार्ट होगी पर धुआं देगी। ये रिंग होते हैं कंप्रेसर रिंग, इससे गाड़ी का कंप्रेसर बनता है। तो ये रिंग कंप्रेसर रिंग है और ये ऑयल रिंग है, इन गाड़ी स्टार्ट नहीं होने की, अगर ये कोई दिक्कत भी हो जाएगी तो गाड़ी स्टार्ट हो जाए पर धुआं देगी बहुत। ये है हमारी स्टार्टिंग रिंग। तो हम इन्हें बताते हैं कि हमें दरअसल में रिंग के खांचे कैसे रखने हैं। बहुत से भाई किधर को कहते हैं और बहुत से भाई कहते हैं इधर को रखना चाहिए। ये पिस्टन दे सकते हैं आप, हम पिस्टन को आपको जानकारी देते हैं, बहुत अहम जानकारी। पिस्टन दे सकते हैं आप, ये इसमें पिस्टन की जो कैम होती है, ये इसे कैम बोलते हैं पिस्टन, ये हिस्सा कैम का है, ये हिस्सा डाउन रहता है। ये कैम जिस पिस्टन की जितनी कैम ज़्यादा होगी उसकी पिस्टन लैस उतनी ज़्यादा होगी। इस बात का ध्यान अपने दे सकते हैं, स्प्लेंडर का और ढगा उनकी कैम दादी रहती है पिस्टनों की, तो पिस्टन की लैस दादी रहती है। तो ये है बहुत बारीक बात है कि कैम जिस पिस्टन की दादी होती है पिस्टन को उतनी लैस दादी रहती है। अभी ये रिंग बताते हैं हम किस तरीके से डालते हैं। तो हमें क्या रखना है, रिंगों का जो मुँह रखना है वो कैम की तरफ ही रखना। तो दोस्त बोस्त हमारे भाई ला रहे थे नॉर्मल, हमने हम नहीं डालने, हम इसका रिंग का मुँह किसी को भी रखते हैं, नए पिस्टन है फिलहाल में धुआं नहीं देने की है, किसी को भी रख दो फिलहाल में धुआं देने की नहीं है। ये 10-15 दिन महीने बाद जब तक है, पर कुछ दिन बाद ये धुआं दिखाने लगेगी गाड़ी। अब देख सकते हैं भी हमने इसे धोएंगे पिस्टन को जब फिट करेंगे, पर फिलहाल में हम आपको इसकी जानकारी दे देते हैं। ये रिंग देख सकते हैं, तो इस तरीके से खांचा हम यूँ भी यूँ, बहुत से मिस्त्री भाई हमारे यूँ रख देते हैं या बहुत से ही रख देते हैं, ध्यान नहीं देते कहीं भी रख दो, पर इसका जो सही तरीका है हमें इस तरीके से यूँ रखना है इसका खांचा, देख सकते हैं इस तरीके से। सही तरीका रिंग को इस डालने का ये है, जो सही तरीका है। आप नई गाड़ी भी खोलोगे तो उसमें आपको जो मिलेगा रिंग इसी तरीके से डला हुआ मिलेगा, ये हमारा कभी देखना। अब बहुत से क्या है अपने इस तरीके से फिट कर देते हैं, तो इस तरीके से क्या होता है गाड़ी ऑयल जल्दी उठाएगी, धुआं जल्दी देने लगेगी, इस तरीके से अपना फिट करते हैं। कंपनी ने दिया है तो इसका स्प्रिंग चेंज का काम होता है, ऑयल को सबको नीचे लिया था, इसमें ऑयल रहता है जिसकी वजह से ये सीधना मारे। ये हमें इस तरीके से रखना है, ये हमने यहाँ रख लिया है इसका कांच बीच में। उसके बाद हमें करना है ये वाली रिंग चेक, रिंग हमने इसके चेक दिखा देते हैं, एक बार फिर भी चेक कर लिए हैं, पर आपको हम बता देते हैं कि रिंग चेक करने के लिए जब भी पिस्टन में रिंग डालें तो एक बार इस तरीके से चेक कर लें, रिंग डाल के कहता होता है कि बहुत रिंग थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो फिट करने में रिंग मुड़ जाता है। ये देख सकते हैं रिंग हमारा बिल्कुल ठीक है, हमें ये सारे रिंग चेक करने चारों। ये देखो ये यहाँ इसके देखो रिंग का खांचा है, ये देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल ठीक है, शरीर चेक करना बिल्कुल। इसमें ना ही गैप ज्यादा होना चाहिए और ना ही गैप कम होना चाहिए, ज्यादा होगा तो भी देगी तब रिंग, अगर
एक के ऊपर एक चढ़ जाता है अक्सर, तो क्या होता है दिक्कत आने लगती है। आप देख सकते हैं रिंग हमारा ये चाहिए। नॉर्मल जब भी पिस्टन डालें रिंग एक बार सिलेंडर में लगाकर जरूर चेक कर लें। देखो लाइन भी नहीं दिख रही होगी कि है कहाँ पे लाइन, इसकी दिख नहीं रही होगी आपको। ये बिल्कुल भाई रिंग अगर बड़ा होता है रिंग के ऊपर रिंग चढ़ जाता है, उससे क्या होता है फिर रिंग टूट जाते हैं, फंसा देता। तो ये रिंग हमने चेक कर लिए हैं और अभी हम तो फिर आपको फिर रिंग डालने का तरीका बता रहे हैं, उसके बाद अभी सब धुलेगा पेट्रोल से जब फिट होगा। ये एरो का निशान नीचे रखना, नॉर्मल एरो का निशान नीचे रखना, एरो का निशान भी नहीं होता है, देख सकते हैं ये बड़ा वाल फिर छोटा वाल दे सकते हैं वाले इस तरीके से। और ये हर गाड़ी में से इसी तरीके से होता है भाई, भाई किसी में निशान भी नहीं होता, मानो जैसे कि स्प्लेंडर को निशान नहीं होता तो पहले लिखा रहता इन, ये निशान होगा जरूर, मतलब पिस्टन होता जरूर है कुछ ना कुछ। तो हमने अब बता दिया था आपको हमें ये रिंग, ये इस तरीके से हमने ये फिट कर दिए रिंग, और ये रिंग ये हमने दो रिंग ले लिए। हमें क्या करना है, जो हमें रिंगों में टेम्पर होता है, हमें रिंग ये नहीं थे किसी कैसे भी डाल दो, रिंग को हल्के हाथ से जो सेंटर में लाकर हमें दबा के देखना ये किधर को पिस्टन रिंग किधर को टेम्पर इसका ले सकते हैं। ये रिंग इस तरीके से हमें क्या है ये रिंग को दबा के रखेगा ये, तो हमें रिंग किस तरीके से डालना है, ये वाला रिंग हमें ये इधर को मारा तो इस तरीके से पलट के हमें ये रिंग यहाँ लगाना है। देख सकते हैं हमारा खांचा रिंग का, ये हमने यहाँ लगा दिया। अगर हम ये खांचा यहाँ ले लेते हैं ना पीछे के, ये हमने यहाँ ले लिया, ये देख सकते हैं आप, तो क्या होगा फिलहाल में तो गाड़ी धुआं नहीं देगी, पर कुछ दिन बाद गाड़ी हमारा धुआं देने लगेगी। अगर एक यार अभी तो इंजन बंद हुआ था बहुत जल्दी अपने धुआं देगी, तो इसलिए इसे रिंग को हमें खांचे को यहाँ रखना ऊपर, चाहे कैम होती ये कैम है ये कैम, पिस्टन जब भी चीज मारेगा यहीं से ही चीज मारता, आपने भी देखा होगा यहाँ से नहीं मारता चीज, ये चीज मारता पिस्टन, पिस्टन से जब भी मारेगा जब गाड़ी या तो ऑयल नहीं होगा या जैसे हमने पिस्टन डाला गाड़ी में अपने दादे भगवान जी, तो इस तरीके से हमें रिंग को इसे देखना, ये देखो इधर इधर अपना टेम्पर है सर, तो हमें इसे क्या करना इसे इस तरीके से लगाना पलट कर, ये हमने रख दिया रिंग यहाँ, ये हमारा रिंग का खांचा देख सकते हैं आप, ये है और एक ये है, ये रिंग का कांच एक हमने यहाँ ले लिया, यहाँ ले लिया रिंग हमारे ये फिट हो चुके हैं। फिर रिंग को इस तरीके से घुमा के देख लें, फिर ही रहने चाहिए रिंग। अब आगे हमारे ये कंप्रेसर है, देख सकते हैं फिर लिखा होता है टॉप वन और टॉप टू रिंगों पर, टॉप टू और टॉप वन, तो नॉर्मल कोई दिक्कत नहीं देखने की, देख सकते हैं आप या ना भी देख सकते हैं। तो ये जो रिंग है हमारा ब्लैक वाला, ये हम यहाँ रख लेते हैं नीचे साइड में इधर कैम की साइड, इसे भी हम इधर ही रखेंगे कांचे में। और इस तरीके से रिंग जरूर देखें घुमा के, इस तरीके से फिर घूमना चाहिए, टाइट है या नहीं घूम पा रहा है तो क्या होगा हमने फिट कर दिया रिंग चिपक जाएगा, ये फिर ये कांचा देगा तो हमने ये रिंग इसके यहाँ मिला तरीके में, ये रिंग जो है इसे रखना है अपना यहाँ पर। एक खांचा ये रहा हमारा और एक खांचा ये रहा, आमने सामने नहीं रखने थे कभी, आप यूँ रख दें इसे एक खांचे इधर और ये हमारे खांचे इधर, ये हमने इधर लगा दिया एक खांचे इधर एक खांचे इधर, वो बीच में ये सबसे बेहतरीन तरीका आप
इस तरीके से लगाओ, गाड़ी धुआं नहीं देने की है, ऑयल नहीं उठाने की, रिमोट की सही सेटिंग। अभी इसे धो के बिल्कुल फिट कर देंगे और ये जब तक गाड़ी सही चलती रहेगी, धुआं नहीं देने की, धुआं जब भी देगी स्टैंडिंग स्टैंड खींच जाएंगे, यह गाड़ी सीज मारेगी। तो इसका सही तरीका ये रिंग लगा। तो यहाँ तक तुम लोगों को पता चल गया होगा, अब बाकी का बस यहीं तक ही था। इसके आगे अगर और कुछ होगा तो दिखाएंगे, अदरवाइज इसकी फिर जो नेक्स्ट बाइक जो आएगी उसके बारे में पता चलेगा आप लोगों को। तो दोस्तों वीडियो पसंद है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और भाई हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, RK ऑटो सर्विस को बिल्कुल सब्सक्राइब करो। शॉप तुम लोगों को मैंने जैसे कि बता दी थी, इससे